सुन, अब ये रिक्शा वाला तेरे को डायरेक्ट स्टेशन लेके जाएगा, स्टेशन से 9:30 बजे की ट्रेन है, उसमें बैठ के जाने का सीधा मुंबई, कर लगा साला, निकल। उर्मी, अपन तेरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं इधर कौन है अभी? मैं इधर पुलिस वाली बन के घूम रही है ना, और ये जो पुलिस वाली है उसकी जिंदगी में इतने राड़े की मैं काय सांगू अता तुला। तू निकल, मैं इधर का सब कुछ निपटा के मैं भी मुंबई आएगी, फिर उधर मेरे वड़ा पाव की रेखड़ी पे तू फूल लेके आना मेरे लिए, ठीक है? हाँ। उर्मी, साजन, जिसने तेरे को एक बार किडनैप किया वो दोबारा भी कुछ कोशिश कर सकता है ना? एक बात बतानी थी मेरे को। तू मुंबई जाके मेरे को फोन पे बताना, चल अभी निकल। नहीं नहीं सुन ना, वो किडनैपर जिसने मुझे उठाया था, हाँ? मुझे लगता है वो डीएसपी अनुभव था। मतलब मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि ना वो हर टाइम मास्क लगाता था, लेकिन मेरे को पक्का डाउट है कि वो इश्क था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक मैं इधर हूँ तो उसको भाव नहीं देगी, ये सोच के उसने मेरे को अगवा किया होगा मेरे को रास्ते से हटाने के लिए। देख साजन, इतना लोड नहीं लेने का, ऐसा कुछ नहीं है। तेरे पास एक लॉकेट था जो मैंने तेरे को दिया था, वो उस लॉकेट के पीछे था, तू वो लॉकेट नहीं दे रहा था इसके लिए इतना कूट दिया तेरे को उसने, कर लगा। हाँ, ये भी बरोबर है। उर्मी, तू मेरे से प्यार करती है ना? मैं तेरे प्यार की बहुत कदर करती है साजन, और एक चीज हमेशा याद रखने का, दुनिया इधर की उधर हो जाए, उर्मिला का बेस्ट फ्रेंड कौन? साजन। और तू मेरे लिए इतना दूर आया मेरे को सपोर्ट करने को, उसके लिए थैंक यू। क्या उर्मी, तू भी दोस्त बोलती है और थैंक यू भी बोलती है। ठीक है, अपन चलता है अभी, लेकिन तेरे को मालूम है अपन कितना ठेठ आशिक है। चल चल निकल, अभी ट्रेन निकल जाएगी तेरी। चल बाय, निकलते हैं। चल चल टाटा। ए उर्मी, आई लव यू। अनुभव, मैडम गोपाल की वाइफ आ गई। हाँ तो फिर देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत गर्मी है बाबा। अरे भगवान भगवान भगवान। अरे अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, लग रहा तुम्हें उठा दूँ। अरे छोड़ो, बच्चों जैसे काम कर रहे हो। अरे बच्चों जैसी बात, मैं बच्चों जैसी बात नहीं, अब तो तुम्हारी गोद में बच्चे खेलेंगे, गजब हो गया, चमत्कार हो गया। क्या बोल रहे हो? अरे भगवान, तुम्हें कैसे बताऊँ, आज भोलेनाथ ने स्वयं मुझे दर्शन दिए, मतलब मुझसे बात की, लेकिन ऐसा लगा जैसे साक्षात दर्शन हो गए भोलेनाथ के। इधर, तबीयत ठीक है? अरे मुझे मालूम था तुम विश्वास नहीं करोगी, लेकिन सब प्रभु की लीला है, आज स्वयं भोलेनाथ ने मुझे वरदान दिया और कहा कि मैं बाप बनूंगा। क्या? हाँ, मतलब हम दोनों माँ बाप बनेंगे और हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। भोलेनाथ भोलेनाथ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, संतान आने की टाइमिंग भी बहुत सही है, अभी हमारे पास पैसे भी है और बच्चे भी, हमारी तो निकल पड़ी। बस यही परे पेज, तुम और तुम्हारी पेज। क्या है अब? भोलेनाथ ने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा, इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना, वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा, तभी जाके हमें संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी। क्या बकवास करे जा रहे हो? तुम्हें अगर दिन में सपना देखना है तो तुम खुद देख लो, मुझे नहीं देखना। मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। लेकिन शिव जी, और सुनो, संतान अगर हुई भी तो उसे पालने के लिए पैसे नहीं चाहिए, वो कहां से आएगा? और आपको संतान ना मैंने देने वाली हूँ और कोई नहीं, इसलिए जो भी देखा है वो सब कुछ भूल जाओ और हकीकत में जीना सीखो। लल्लू के लल्लू ही रहोगे, भगवान ने बोला है, ये बोला है, वो बोला है, कुछ भी बोले जाते हो। ऐसी औरत है, भगवान की बात भी नहीं मान रही है। हाँ, ये भी कहाँ आपकी बात मानती है। अब पता नहीं, अब
क्या बोलती पब्लिक? अरे क्या हुआ, सीनियर को देख के सैल्यूट बिल्यूट मारने का ना? आज बहुत मूड खराब है सबका, इसलिए भेजा मत खराब करो अभी हमारा। अरे काय के लिए मूड खराब करते तुम लोग? नो फियर, उर्मी इज हियर। ये देखो तुम लोग का मूड मस्त टकाटक करने के लिए मैं क्या लेकर आई, गर्मा गर्म उर्मी स्पेशल वड़ा पाव। मैं खुद बना के लाया अपने हाथ से, चलो खाते फटफट सब गर्मा गर्म। ए चटक सानी, आना खाना, मैंने बनाया अपने हाथों से। सुनो ऐसा दिमाग का दही मत करो, सबका मूड खराब है यहाँ पे, समझ जाओ बात को। क्या केस में कोई लोचा हुआ है क्या, बताओ मेरे को। सुनिए ना, अगर ये इतना पूछ रही तो बता दीजिए ना, क्या होता ना कभी कभी दो लोगों की उलझन तीसरा बहुत अच्छे से समझता है, हो सकता है इससे कोई नई दिशा मिल जाए हमें ये केस सुलझाने की। अच्छा ठीक है, देखो मेरे को मालूम है कि ये वही वाला केस है ना, वो भगवान के भक्त वाला जो बैंक का पैसा वापस नहीं कर रहा है। अरे उसके लिए इतना क्या टेंशन ले रहे तुम लोग, जाके उठा के लाते उसको, दो कान के नीचे बजाएंगे, सब पैसा निकालेंगे बाहर। तुमको लगता है ये काम तुम हमसे अच्छा कर लोगी? हम ऐसा कान के नीचे कंटाप लगाएंगे ना उसको, सबसे पहले तो वो पैसा ट्रांसफर करेगा, उसके बाद मिलेगा वो हॉस्पिटल में और एक ही बात बोल रहा होगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसे ना देखा। लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे ऊपर मैडम सर का जिम्मेवारी है, ठीक है? तो हमें सब चीजें ध्यान रख के करनी है और हम ऐसा किसी को नहीं करने देंगे यहाँ पे। और उर्मिला जी प्रॉब्लम ये है कि उनके खिलाफ कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं है, तो अगर उन्हें टच भी किया तो हो सकता है वो उल्टा केस हम पे कर दे। इस बात पे तो एक ही तरीके से केस हल हो सकता है कि भैया वो खुद जो है अपनी मर्जी से अपने दिल से सारे पैसे उसको वापस लौटा दे पांडे को। पर मैडम ये तो असंभव है ना, ना मतलब जिसकी पत्नी भगवान तक का बात मानने से इनकार कर दी, वो खुद के स्वेच्छा से अपने पति को कैसे बोल देगी तुम पैसा वापस करके आओ? और वो भी तो गजब का पति है ना, अपने पत्नी के विरुद्ध जा ही नहीं सकता, फिर तो असंभव है ना मैडम। जाएगी भी कैसे ना, मतलब पत्नी ही संतान सुख देगी तो पत्नी की ही बात मानेगा वो। मानेगा, अब वो अपनी बीवी की नहीं हमारी बात मानेगा। ओ बत्ती जली, आइडिया। चुप करो, अब कैसे? अब उसकी संतान लेकर आएगी मैं। बस पगला गई हो तुम, उसे संतान देने के लिए तुम उससे शादी करोगी? नहीं, आपको पता है कितना टाइम लगता है? पहले उनको अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना पड़ेगा, उसमें 6 महीने लगेंगे, उसके बाद वो आपसे शादी करेंगे। हाँ शादी के बाद बच्चा, 9 महीने लगेंगे, उसके बाद बच्चा होगा, अपने पास इतना टाइम नहीं है। ओह ये मासूमियत है। नहीं रे, शादी विधि कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रेगनेंसी, वो भी 6 मंथ प्रेगनेंट। हाँ कैसे? रुक बताती हूँ। ये देख, ये बक, ये वड़ा, हाँ ये पाव, हाँ हो गया पाव भारी। चलिए आपको थाने लेकर चलना है। मैडम क्यों? क्यों चलिए? मैं मर्द सब यहीं जान जाइएगा, थाने वो तो चलिए चलिए चलिए। आप भी चलिए, काम करिए, आइए चलिए चलिए साथ में। अरे फटाफट डिसाइड करो कौन प्रेग्नेंट बनेगा, उर्मिला जी उस गोपाल को लेके आती होगी, उससे पहले हमें डिसाइड करना है कौन प्रेग्नेंट बनेगा। क्या सब लोग हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? अब इस उम्र में हम बनेंगे गर्भवती? इनसे इनसे कहो ना जिनके सच में उम्र है, आज तक तो हमें दादी बनने का सुख नहीं दे पाई, कम से कम नाटक में ही सही, इनको पेट से देखकर हम अपना जी बहला ले। वही हम सोचे कि ये बात अभी तक कैसे नहीं आई, वही एक आने की बात, समझ रहे हमारी बात को बिल्लू तुम? हाँ ना, मतलब अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, हम माँ नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें क्या हमारा अकेले का कसूर है क्या? आपके बेटे का कोई योगदान नहीं है? आपके लल्ला का कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या? हवा में आपको दादी बनाते हम? अरे सब पत्नी के हाथ में ही तो होता है, पति बेचारा वही तो करता है जो पत्नी चाहती है। हाँ। और हमें पता है आपको ही माँ नहीं बनना है, क्योंकि आपका ये जो जीरो फिगर है वो खराब हो जाएगा ना। अरे फिगर का जिक्र छोड़ो, ये सोचो प्रेग्नेंट कौन बनेगा। मैं बन जाती पर शादी नहीं होगी ना। संतु नाटक करने के लिए सच में शादीशुदा होने की क्या जरूरत है? हाँ सिंगड़ी खाओ तू। नहीं पर एक सेकंड, नाटक ही करना तो पुष्पा जी, आप नाटक कर लो ना। हम नहीं बनेंगे, हम भी नहीं बनेंगे। हे भगवान, तुमने मुझे
मुझे औरत क्यों नहीं बनाया? इस थाने के काम तो आता, प्रेग्नेंट तो बन जाता, क्यों क्यों नहीं भगवान क्यों नहीं बनाया मुझे औरत, क्यों नहीं बनाया मुझे औरत, क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? कह रहे थे ना कुछ किसलिए हम लोग थाना लेकर आए हैं, आपको किसलिए थाना लेकर, ये महिला आपके खिलाफ केस करवाई है, रिपोर्ट लिखवाई है, बात कीजिए इनसे आप। कहाँ है? कहाँ है महिला? महिला कहाँ है? हम हैं। है तुम्हार प्यार, तुम्हारी झूठी, तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा। तुम्हार होने वाली बच्चे की अम्मा झुमकी। ये क्या बोल रही है? पता नहीं क्या बोल रही है, किसके बच्चे की? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानता हूँ। हम भी नहीं जानते आपको। अरे जब तुम मुझे जानती नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे का बाप कैसे हुआ? ओ आप ही तो है स्वामी। ओ शिवजी आए थे रात को हमारे सपने में और कह रहे थे कि संतान का वरदान देता हूँ और ई बच्चे का बाप गोपाल दास है, यानी कि आप। सुबह उठकर देखे तो हम अपने आप को गर्भवती पाए हैं। अरे बौरा गई है औरत, पता नहीं क्या अनाप सनाप बक रही, मैं इसके बच्चे का बाप नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे, शिवजी ने जब खुद इनके सपनों में आकर कहा है अब तो शिवजी भगवान झूठ थोड़ी ना कह सकते, आपके सपने में भी तो आए थे ना। लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इस औरत को छुआ तक नहीं, तो इसके बच्चे का बाप मैं कैसे हो गया? बहुत अच्छा, बेहतरीन गोपाल भैया बेहतरीन। 20 लाख रुपया जो आप कमाए नहीं, लेकिन वही पैसा अगर आपके अकाउंट में आ गया तो वो पैसा जब आपका हो सकता है तो बिना छुए आप ही बच्चे का बाप कह नहीं हो सकते हैं? सही बात है। हमें इंसाफ चाहिए। आप हैं कौन? हम इनके होने वाले बच्चे की अम्मा बिंदिया उल्फत। से कौन बिंदिया? ये राम, ये तो पुष्पा जी है, सत्यानाश। ये का नाटक है, ये तो ये बच्चे के बाप है। अरे इस बच्चे के बाप ये है गोपाल दास। जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही कौन है बेटा? का प्रमाण है आपके पास कि ई का बाप ई है? अरे तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि इस बच्चे के बाप ये है? कल रात शिव जी आए थे हमारे सपने में और कहकर गए हैं। हाँ तो हमारे सपने में भी साक्षात शिव जी आए थे और बता के गए कि हम उल्फत, हमारे इस बच्चे के बाप ये है जिल्ले इलाही गोपाल दास और हम बिंदिया है। ये कोई उम्र है का माँ बनने का? अरे हम तो पहले से कह रहे थे मगर किसी ने सुनी नहीं हमारी बात। अब बन गए हैं माँ तो क्या करेंगे? मारे को इंसाफ चाहिए, मारे को इंसाफ चाहिए। देखो गजब हो गया है, मारे सपने में शिव जी आए थे, मारे को संतान का वरदान दिया, अगले दिन देखो पेट बाहर। मारे को बोले कि एक के नाम है थारा गोपाल दास। यही है गोहे तारी संतान। गजब के भगत हो यार तुम्हें, गजब के भगत। क्या हुआ इतना सन्नाटा क्यों है? इनसे मिलिए, कल रात शिव भगवान इनके सपने में भी आए हैं और सेम वरदान दिए हैं कि आप लोग गोपाल के बच्चे की माँ बन जाइएगा और सुबह होते ही 6-6 महीने की गर्भवती ये दोनों भी हो गई है। देखिए ये का नाटक है, ये बच्चे के बाप तो ये है। नहीं हमारे होने वाले बच्चे के बाप ये है गोपाल दास जिल्ले इलाही और हम बिंदिया है। संतु तुम और आप कहां से आ गई? आप तो कह रही थी कि इस उम्र में आप माँ बनेंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी, फिर क्या तब तो नहीं मान रही थी, आप बड़ा मान गई? अरे आप कौन सी हमारी बात मानती है जो आज मान लेती हाँ? और यहाँ आने से पहले बता नहीं सकती थी आप? अरे हम क्या बताते हैं, मैडम सॉरी लेकिन मुझे कसम से किसी ने नहीं बताया था कि ये रोल कोई प्ले कर रहा है, बोल देता तो मैं नहीं आती हूँ। सब मना कर रहा है। क्या खुसुर पुसुर चल रही है, क्या हो रहा है इधर, क्या चल रहा है? हम भी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी, लेकिन कोई मुझे बताएगा एक ही रात में 3-3 औरतें कैसे प्रेग्नेंट हो सकती?
चार। लेकिन कोई मुझे बताएगा एक ही रात में तीन तीन औरतें कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो? तीन नहीं, चार। अगाएगा पकोनी तारी ये ना लगा पागुना गरी अगाएगा बिल्ला गजड़ लाश मार तो है बाप मैं अचानक से माँ बनने वाली हूँ। अचानक से नहीं बना है, नहीं तुमको वरदान मिला है, तुम्हारे कुकर्म का फल है। ससुर क्या कर रहा है मैडम? दांत से काट के ना खून निकालूंगा मैं तेरा। मुझे रात में ना शिवजी सपने में आए और उन्होंने संतान का वरदान दिया और शिवजी ने कहा कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसके पिताजी का नाम है गोपाल दास। ये बाल गोपाल का है, गोपाल कौन है तुम? अभी नहीं उनके पास जाने का ना, उनके बाद जाने का ना। अरे बाप रे, यहाँ तो माओ की लाइन लगी है। लगो लगो लाइन में लगो। और देख रहे हैं आप मिस्टर गोपाल दास, आपके कर्मों का फल अब ये इन चारों संतानों को आपको अपनाना भी होगा और इन चारों औरतों से आपको शादी भी करनी होगी, वो भी अभी के अभी। हाँ। नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। लूट मची है यहाँ, कोई भी आ रही है इन्हें अपने बच्चे का बाप बता रही है। क्या चल रहा है, कोई शादी वादी नहीं होगी? अरे ऐसे कैसे शादी नहीं होगी, दिल्ली हिलाही। अरे अरे छोड़ो, क्या हो रहा है सब? मैं नहीं जानता इन औरतों को, कौन इनके बच्चे का बाप है? ये सब भगवान की लीला है, अब तो आपको इन बच्चों को स्वीकार नहीं होगा। अरे जो बच्चे मेरे है ही नहीं, मैं उन्हें क्यों स्वीकार करूं? अरे ऐसे कैसे, जब बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे गलती से, उन्हें आपने इतनी आसानी से स्वीकार लिया, तो फिर इन संतानों को तो स्वीकार कर ही सकते हैं, ये तो खुद शिव जी का आशीर्वाद है। जब बैंक में पैसे ट्रांसफर हो गए थे गलती से, उन्हें आपने इतनी आसानी से स्वीकार लिया, तो फिर इन संतानों को तो स्वीकार कर ही सकते हैं, ये तो खुद शिव जी का आशीर्वाद है। भोलेनाथ ने ये शर्त रखी है कि हमें एक समय पे एक ही वरदान मिलेगा, इसलिए जो पैसा हमें मिला है ना, वो पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। क्या बकवास करे जा रहे हो, मेरे पास जो पैसे आया मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। सारी गलती मेरी थी, मुझे भगवान की बात मान लेनी चाहिए थी और अपनी बीवी की बात नहीं माननी चाहिए थी। मैंने पाप किया है, पराय धन को अपना कहा है। काश के मैंने ना किया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। मैडम मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा। तजुर्बा कहता है हमारा कि लालच हमें पल भर की खुशी जरूर दे देता है, लेकिन जिंदगी भर का सुकून छीन लेता है। ऐसे कमाया हुआ पैसा ना ही ज्यादा वक्त टिक पाता है और खत्म हो जाने के बाद अपने पीछे छोड़ देता है बहुत बड़ा पछतावा, जिसका बोझ जिंदगी भर ढोना पड़ता है। तो फिर ऐसे कमाई का क्या फायदा? जिसने भी कहा है क्या खूब कहा है, कफन भर दौलत अग्नि भर संतान, बस यही है सच, बाकी सब छल सामान। और आपको यही बात समझाने के लिए हमने ये नाटक किया था। मैडम सारा पैसा मेरे पास ही है, आज ही मैं बैंक का सारा पैसा सागर जी को वापस कर देता हूँ। सागर जी, इस दौलत के लालच में बहक गया था, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसी कोई बात नहीं, अच्छी और बड़ी बात यह है कि सब कुछ ठीक हो गया और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस महिला पुलिस टीम की। मैं सलूट करता हूँ इनको और इनकी जादुई छड़ी को। जैन भैया। जैन, बताओ बहना कैसे फोन किया? भैया हमारे हाथ में ना एक पेन ड्राइव लगा है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा काफी गोपनीय और गंभीर जानकारियां हैं, जो हमें लगता है किसी जिम्मेदार इंसान के हाथ में होना ही चाहिए, इसलिए हम आपको सौंपना चाहते हैं। आप हमें बस ये बताइए कि आप हमें कब, कहां और कैसे मिलेंगे।
बहना, फिलहाल हम शहर के बाहर हैं, महत्वपूर्ण काम से आए हैं। कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, आते ही आपसे मिलेंगे। तब तक वो पेन ड्राइव की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। नहीं नहीं, जिसका अमानत है उसको ही सौंपा जाएगा भैया। इस पेन ड्राइव का महत्व हम समझते हैं, हम प्राण देकर भी इसकी रक्षा करेंगे। आप ही से सीखा ये सब, तो आप इतना भरोसा तो हम पर कर ही सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद करिश्मा सिंह, बहुत जल्द पेन ड्राइव हमारे पास होगी।